उज्जैन के सिंहपुरी स्थानीय रहवासियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया कर्मियों के समक्ष बताया कि बगीचे के रखरखाव पर उज्जैन नगरपालिका निगम ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही जनप्रतिनिधि भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे। उज्जैन के सिंहपुरी क्षेत्र में एक बगीचा है जिसका लाभ स्थानीय रहवासी और बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा बगीचे का रखरखाव और देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही है। बगीचा रखरखाव के अभाव में खराब हो रहा है। यहाँ के रहवासी बेहद परेशान हैं क्योंकि बगीचा तो बना हुआ है पर लाभ नहीं मिल पा रहा। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये मूर्तियां लगाई, इसके बाद सर्कल बनाया, पानी निकलने की कहीं जगह नहीं, कीड़े मकोड़े आएंगे, बच्चे गिरेंगे, तेरों प्रतिमा के आसपास पानी भरेगा। ये है, ये ऐसा बना पार्षद के द्वारा कि पानी इसमें से लिखे तो नगर निगम ने जरा सी भी कोई भी किसी भी किस्म की सहयोग करा नहीं। बहुत ही यानी दया करो दिए मान सकते कि 15 या 20% उन्होंने हमारी कोई मदद किया। कई वर्षों को जताने के बाद कि भाई इन मूर्तियों का आप हैंड ओवर कर लीजिए और माता को दीजिए। उन्हें लगने के 4-5 साल हो गया था। हिंदू पार्टी के मामला है, ये भी है षड्यंत्र पूर्वक कि इसका कहीं इतिहास में या इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं आ जाए कि इसने मूर्तियां लगाई, इसलिए हैंड ओवर नहीं करी। नितिन नहीं अनावरण हुआ तो उनके किसी का नाम नहीं लगाए। तो भाई हमसे कहा गया कि आपने भी सुनना कि आपको देख के इधर से बात कर लेना चाहिए थी कि उनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ कुछ होना चाहिए। जब ये तय हो गया था कि यहाँ इनका ऐसा अपना घटनाक्रम में लिखना है जिसकी वजह से इनको। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।